हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक 4-5 दिन से मेरे दांत में दर्द है, तो मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर सकी। तो दर्द का तो ऐसा है कि दर्द तो अभी 4-5 दिन से हुआ है दांत में, और कल रात में काफ़ी ज़्यादा था। टैबलेट खा रही हूँ तो ठीक है, अभी ठीक है। और वैसे भी मेरा ब्लॉग एक जो बन जाता है तो उसके बाद छुट्टी, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि हर दिन ब्लॉग मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पर, मगर पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पाता। तो अभी फ़िलहाल तो दर्द ही है 4-5 दिन से, लेकिन अभी कम लग रहा है तो अभी से शुरुआत कर दी। और मेरी तो सुबह हो ही गई काफ़ी पहले, आप सबकी भी सुबह हो गई होगी। तो बस सुबह का क्या काम होता है लेडीज़ का, उठ गए हैं बस, अभी इंशाल्लाह लगेंगे अपने कामों पर जो लेडीज़ के काम होते हैं घर के। तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और अब लगने जा रही हूँ अपने काम पर। आज थोड़ा कपड़े मुझे सिलवाने के लिए बाहर भी जाना है, तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि अभी तो 11 से कुछ ज़्यादा बजे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि पहले मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि सोच रही हूँ जल्दी ही जाके जल्दी आ जाना है वापस कपड़े वहाँ सिलाई के लिए देके, क्योंकि रेडीमेड मुझे इतने फिट नहीं होते, बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, ऊपर से उनका जो ये गला होता है वो बंद होता है एकदम, तो गले के हिसाब से मुझे फ़िट नहीं बैठते। बाकी तो झोला सा होता है, उसको फिटिंग करवानी पड़ती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि सिलाया हुआ काफ़ी अच्छा होता है, सीधा अपने नाप हम दे देते हैं और वो ठीक ठाक सिल के दे देते हैं, जिसमें गला भी बहुत फांसी का फंदा नहीं होता। तो हमारी चॉइस होती है कि जितना भी हम रखवाएँ, जितने में हम कम्फर्टेबल रहें, तो इसलिए सिलवाने का सोचा। पहले भी सिलवाया था एक टेलर के हाथ से, तो काफ़ी उसने उसको फ़िट कर दिया था। मुझे फ़िट कपड़े नहीं पसंद, मुझे नॉर्मली मैं लूज़ पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, तो जितना भी लूज़ हो मैं लूज़ ही पहनती हूँ, मुझे आदत है, मुझे फ़िटिंग नहीं पसंद। तो बस अभी पहले सोच रही हूँ खाना बना लूँ, फिर मैं और मेरी छोटी वाली बेटी जाएंगे कपड़े सिलाई के लिए वहाँ पर देने। मेरी मम्मी के पास ही रहती हैं एक लेडी, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती हैं, तो जब मैं सिलवा चुकूँगी उससे तब मैं बताऊंगी उसका वीडियो बना के भी कि कितने अच्छे वो कपड़े सिलती हैं। अभी तक तो जो भी सिला है मेरी बेटी का, उन्होंने कपड़ा सिल के दिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस करके मैं उनके पास जाऊंगी, वरना ख़राब तो पहले बहुत लोगों ने कर चुके हैं मेरे कपड़े। तो देखते हैं आगे कैसा क्या है। तो ये हमारा बेडरूम है और मैं अभी आई हूँ, व्लॉग यहाँ से बनाना शुरू करी हूँ आज, तो मैं सोच रही हूँ इसके बारे में भी आपको कुछ बता दूँ। तो अभी कुछ सोचा नहीं है, मगर मेरी बड़ी वाली बेटी है वो इस कमरे को थोड़ा डेकोरेट करना चाहती है, तो डेकोरेट मतलब कर रही, करना शुरू किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसने लगवाया है दीवार पर, क्योंकि वो भी वीडियोज़ वगैरह बनाती है, मेरी छोटी वाली बेटी, मेरी बड़ी वाली बेटी। तो ये कमरा खाली पड़ा था, इसमें कोई काम होता नहीं है, क्योंकि हमारे एसी बाहर लगा हुआ है, हॉल में तो सारे वहीं रहते हैं, तो फ़िलहाल के लिए कमरा वो डेकोरेट कर रही है। तो अभी थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया है उसने डेकोरेट करने का। तो ये यहाँ पर कुछ इतना खूबसूरत सा लगाया है इसने, इसमें भी कुछ और आना बाकी है, जब डेकोरेट हो जाएगा तो मैं अच्छी तरह से आपको बताऊँगी। और इस वॉल पर उसने दिख रहा है, ये देखिए ऊपर करके दिखाती हूँ। तो अभी कुछ कुछ मतलब काम स्टार्ट है इस कमरे को डेकोरेट करने का, जब पूरी तरह हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने व्लॉग में ये भी बताऊँगी। तो ये कर रही है मेरी बड़ी वाली और छोटी वाली बेटी मिलके। तो अभी अभी पार्सल वाला ये पार्सल देकर गया है, मेरी बड़ी वाली बेटी कोलैबोरेशन करती है तो उसके लिए ये पार्सल वो देकर गया है। तो इसमें हाथ बटा रहे हैं हमारे मुफासा, क्योंकि वो सब जानते हैं इसके बारे में, हम तो बाद में पहले लोग यही चेकिंग कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो ये कलैब के लिए मिला है मेरी बड़ी वाली बेटी को, ये देखिए दुनिया जहान के ब्रशेस हैं मेकअप के। तो अब इंशाल्लाह आज या कल वो इसका कोलेब्रेशन बनाएगी।
मुफू तो सब कर लेगा। मुफू मुफू आ जाओ कैमरे में, आ जाओ मुफू, फ़ोन पे चल के बैठ जाओ मुफू। तो ये देखिए मेरी बेटी ने कोलेब्रेशन भी करती हैं, तो फ़िलहाल जब ही बन जाएगा तो मैं इसका भी ब्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए अब खाने में लगा पड़ा है, हर मतलब डोरबेल बजेगी तो रिसीव करने सबसे पहले ये ही खड़े होते हैं, ये एक और ये, यही दो हैं। तो हमारा नाश्ता पानी तो हो गया जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद ही बच्चों का भी नाश्ता हो गया था और मेरा तो पहले ही हो गया था, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन तो सभी घर में हैं। और मेरा खाना बन चुका है, अब मुझे सिर्फ पीसनी है चटनी, जो कि पुदीने की चटनी जो होती है मुझे आज वो पीसनी है। तो बच्चों ने बोला था कि चटनी पीसी जाए, तो कल बनानी थी चटनी, लेकिन कल खाना खा चुके थे तो मैंने बोला कि वो पड़ी रहेगी आज के लिए, तुमने कल चटनी नहीं पीसी। और रह गया जो हमारा काम है वो अब तक पड़ा है और काम हो रहा है, अभी फ़िलहाल के लिए कपड़े धुल रहे हैं और बर्तन अभी बाकी हैं। तो अभी मेरी बड़ी वाली बच्ची का काम बर्तन धोना है, छोटी वाली कपड़े धो रही है, तो फिलहाल पुदीना तोड़ के वो अंदर आएगी किचन में और बर्तन धो देगी। और मैंने बना लिया है खाना माशाल्लाह से, तो जब ये बनेगा तब तो मैं आपको दावत करती हूँ, मतलब आपको बुलाती हूँ खाने के लिए, हो गया कॉफ़ी के लिए हो गया। तो फिलहाल तो किचन में काफ़ी खलारा पड़ा है, मतलब तो किचन तो मैं दिखाऊंगी नहीं आज, और आज काम भी बहुत है, थोड़ा बहुत साफ़ करके अच्छी तरह किचन साफ़ करना है, तो अच्छी तरह करूंगी तो बताऊंगी। आज थोड़ा बहुत कचरा साफ़ करके हमको जाना है बाहर, और देखते हैं अभी बाहर जाना होता है या नहीं। सोचा तो ये कि आज ही कपड़े डाल दें सिलने के लिए, तो अभी पहले चटनी पीसूँगी, खाना खाएँगे इंशाल्लाह, फिर सोचेंगे बाहर जाना है, अगर गई तो भी ठीक है, नहीं गई तो फिर मैं बने रहूँगी अपने ब्लॉग पर। तो ये पीसी तैयार हो गई है पुदीने वाली हमारी चटनी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बोला था। खाना तैयार हो गया, चटनी की राह निकलते खाने के लिए, अब चटनी भी तैयार हो गई है। तो आ जाओ माय यूट्यूब फैमिली, आप भी सब जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, खाना खाने हमारे साथ। खाना खाने से पहले एक लास्ट काम है, वो है ये मसाला जो मैं एक साथ पीस के रख लेती हूँ, फिर खाने में खाना बनाने के टाइम फिर पकाने के लिए थोड़ा सा मसाला निकालना पड़ता है, बस और काम हो जाता है फटाफट। तो ये है मसाला जो मैं हरा मसाला पीसूंगी, इसमें मुझे काली मिर्च और ज़ीरा मिलाना है, और मैं पीस के इसको डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, तो ऐसा करने से आसानी हो जाती है। तो आप भी ट्राई करके देखिए ऐसे ही। तो हमने जाना था, जैसे कि मैंने दोपहर में बताया था कि हम लोगों को मेरी मम्मी की तरफ कपड़े सिलवाने देने के लिए जाना था, जो एक है लेडी वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। तो हम गए थे शाम से, तो हमने कपड़े अभी बस थक हार के वापस आ रहे हैं, अभी बैठी हूँ, तो मैंने बोला कि लाओ अपना ब्लॉग मैं पूरा करूँ। तो हम कपड़े वहाँ दे आए हैं सिलने के वास्ते, और हमको किसी और काम से और आगे भी जाना था, कुछ मेकअप वगैरह का सामान लेना था, मगर आगे जाने की हिम्मत नहीं, जब जाके वहीं बैठ गए तो मम्मी के यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही निकले आधा घंटा, और अभी करीब में ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं मेरी मम्मी, तो हम अभी घर में इंटरव्यू में बस सुकून में बैठे, थोड़ी सांसें लिए, और मैंने अपना व्लॉग चालू कर दिया, क्योंकि व्लॉग चालू किया सुबह से तो एंड भी करना है। तो बस वहाँ से आए हैं और अभी आराम से बैठ के थोड़ी सी हवा खा रहे हैं, और बस जब कपड़े सी जाएंगे तो मैं वो भी व्लॉग में बताऊँगी, और बस जो खा रही हूँ वो बताती हूँ आपको। तो ये हमको मिल गया है, तो ये हमने खाने के लिए लेकर आए हैं, तो जो जो मुझे देख रहा है इस वक्त वो आ सकता है खाने के लिए, वैसे भी मैं कॉफ़ी के लिए भी बुलाती हूँ खाने के लिए भी, तो ये खाने के लिए भी आ जाए सारे। और अब आ गई हूँ अपने लुक में, जिस तरह मैं घर में रहती हूँ लूज कपड़ों में, तो ये आ गई मैं अपने असली लुक में। लेकिन एक बात देखा जाए तो हम चाहे कितने भी तैयार हो के, अब तो मैं तैयार होती नहीं क्योंकि मुझे आदत नहीं, और ऐसे लूज एकदम ऐसे ही कपड़े मुझे पसंद है, चाहे नए हों या घर में रोज़मर्रा के पहनने वाले हों। तो अक्सर ये देखा गया है कि कहीं भी जाएं, कहीं से भी आएँ, मगर सुकून तब मिलता है जब घर के कपड़ों में हम नॉर्मल कपड़ों में आ जाते हैं। तो बस यही थी मेरी दिन भर की कहानी, क्योंकि मम्मी के यहाँ गई तो मैंने फिर वहाँ बातचीत के दरमियान में ब्लॉग बनाने को ऐसे दिल नहीं किया,
गई थी, वो कभी नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी, या तो इसमें व्लॉग है और मम्मी लोग आए थे घर पे तो वाले व्लॉग भी हैं। तो बस आप सुकून की सांस लिए, कपड़े चेंज करके आराम कर रही हूँ, और खाना वैसे खाने का दिल तो नहीं कर रहा, मैंने बता दिया था कि मैं तभी बैठ के वहाँ क्या खा रही थी, तो अभी खाना खाने का तो कुछ खास दिल नहीं कर रहा। देखेंगे, स्टारबक्स से कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो अगर वो आ गई तो फिर वो पी के सो जाना है, यानी खाने का कुछ इतना वो नहीं है, जो दोपहर में खाया था बस वही, क्योंकि आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ तो बस इसके बाद अब सो जाएंगे, जो भी खाना है या सिर्फ पीना है तो पी के कॉफ़ी पी के बस सो जाएंगे, तो रात का कोई खाने का इतना कुछ खास नहीं। और आपको दिखाती हूँ कि अभी फ़िलहाल कौन ऊँगता हुआ सोया पड़ा है, तो चलिए मेरे साथ। ये देखिए, ये एक तो यहाँ सोया पड़ा है, इन्हें हम सारे सो जाते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे है कि 10 से 11 बजे तक, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 12 बजे तक, फिर तो नींद, और कभी तो 8 बजे से ही नींद आने लग जाती है, नींद का कोई मतलब टाइमिंग फिक्स नहीं है। बच्चे तो मूवी देख रहे हैं, देखिए मैंने दिखाया है कि एक वहाँ सो रहा है और एक यहाँ नींद पूरी कर रहा है, और अब एक आध घंटे में तो हम भी सो ही जाएंगे। तो देखा आपने, सिर्फ हम ही नहीं, हमारी कैट्स भी जल्दी सो जाती है, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम है 12 बजे तक का, यानी हम इतना ही जा सकते हैं, या तो 11 बजे या कभी 10 बजे ही ढेर हो जाते हैं सो के, और अगर ज़्यादा जाग लिए तो वो 12 बजे तक का टाइम है। और हाँ, अगर ऐसे ही रात में आँख खुल गई कभी तो कुछ देर जाग लेते हैं, वरना तो नींद आ ही जाती है इतने टाइम तक, नहीं बहुत ज़्यादा जाके, बहुत ज़्यादा जाके करना भी क्या है। ये देखिए, हमारी कॉफ़ी आ गई है, और ये मेरी छोटकी को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए सबसे पहले इसे काम चालू कर दिया पीने का। तो ये देखिए, अभी मैंने जिक्र करा था थोड़ी देर पहले, तो कॉफ़ी आ गई हमारी स्टारबक्स से, और इसने तो लगता है ख़त्म हो गई, नहीं नहीं है, है बहुत सारी, बहुत सारी। और ये किसकी खुल रही है, मेरी नाम लिख क्या है, नाम नहीं मैंने बोल गई, चल कोई बात नहीं, तो नाम नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मगर पी रहे हैं यही काफ़ी ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, और अब पीने के बाद तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी है। चलो, ये मेरी स्ट्रॉ लग गई, और अभी मैं भी पीऊँगी, तो ये रखती हूँ फ़िलहाल, तो पहले इसको पीती हूँ। सब पी वगैरह के हो गया हमारा, तो सिर्फ बहुत ठंडा लगा हलक में, खांसी आ गई, तो ये देखो पी के ख़त्म हो गया, लगता है सर्दी करेंगे हम लोग इतना ठंडा पीने के बाद में। सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी वाली बेबी ने खाली करी है, हमारा थोड़ा थोड़ा बच गया, क्योंकि बहुत ठंडक लग रही थी गले में, तो हमने तो थोड़ा थोड़ा फ्रिज में रख दिया। ये मेरी छोटी वाली चटोरी है जिसने पूरा खाली किया है, ये देखिए, तो हमारा जो हिस्सा रखा हुआ है उसमें प्लीज़ आप भी आ जाइए मेरी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ ये कॉफ़ी पीने के लिए स्टारबक्स। बस गए बाहर से आए, जो कपड़े थे सिलने देने के लिए वो दे दिए, मम्मी से मिल के, बहन से मिल के आ गए, कभी वो हमारे यहाँ आ जाते हैं, कभी हम उनके यहाँ चले जाते हैं, तो बस यही था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ब्लॉग, क्योंकि मैंने 2 दिन शायद फिर से हो गए ब्लॉग को मेरे बना के, तो आज के लिए तो इतना ही ब्लॉग था। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।